कनाडा की एक लाइफ स्टाइल का प्रोसेस भी अलग है यार, जो अपना इंडिया की तरह जो कल्चर है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी मनमौजी करते हैं, 17-18 साल के हो गए, कोई पेरेंट्स डांटे बोलेगा नहीं, तो ये इनका सिस्टम का हिस्सा है और कल्चर का भी हिस्सा है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। और यही एक एज होता है जिसमें गार्डिंग करने की ज़रूरत होती है, तो गार्जियन यहाँ पे सब कुछ फ्री छोड़ देता है, आप कमाओ खाओ करो। हाँ, कुछ हैं जो परवरिश के साथ साथ अच्छे तरह से चलते होंगे, लेकिन यहाँ के लड़कों में मैंने एक चीज़ देखा है, नशा बहुत ज़्यादा है। कमाते हैं सब उस हिसाब से, अपने ऊपर खर्च भी करते हैं सब, तो ये इनका लाइफ का हिस्सा है यार, इनका कल्चर कहिए, इनका कल्चर ऐसा है। तो कनाडा में ये चीज़ें एक बहुत बेरुखी सी लगती है, लंबे जीवन साथी नहीं रख पाते हैं लोग, और यही कनाडा की सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तो इनका ये कल्चर है और उसी हिसाब से कल्चर से ये लोग पले बड़े हैं, और हमेशा क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं लोग। इनके जो बच्चे हैं ना, हमेशा उस खुशी इनको नहीं मिल पाता है। कुछ दिन के बाद बाप दूसरी शादी कर लेता है और औरत कहीं और शादी कर लेती है, बच्चे का क्या होगा, किसी न किसी के साथ रहेगा, नहीं तो अकेला। तो ये एक लाइफ जो है ना, इन लोगों का बहुत ही संघर्ष वाली लाइफ होता है। वो प्यार मोहब्बत अगर नहीं मिलता है ना, तो फिर ज़िंदगी बेरुखी सी हो जाती है दोस्तों। लेकिन इनका ये कल्चर है यार, पैसे रुपये शान सहूलत सौखत के बाद ये यही बातें जो है ना, इनका कल्चर का एक अजीब सा लगता है, लेकिन ये खूबसूरती, ये कल्चर हमारा इंडिया में ही मिलेगा, सातों जन्म तक साथ। हाँ, कभी कभी ऐसे बिरले केस मिल जाते हैं जो थोड़ी बहुत तलाकशुदा बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है जी। तो कल्चर है, क्या कीजिएगा इन लोगों का। कनाडा की कुछ अच्छी बातें आपको बताते हैं। देखिए, ये पार्क आप देख रहे हो ना चारों तरफ, ये पार्क में यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको पार्क मिलेगा, वहाँ पे झूला मिलेगा, उधर झूला आप देखो शायद दिख रहा होगा, और हर जगह बैठने का टेबल कुर्सी, और ये जो घास वस हमेशा काट के, अभी हाल ही फ़िलहाल में घास काटा है, काट उड़ के फिर यहाँ पे रख देता है लोग, फिर वो इसको वो जो इसका क्या बोलते हैं, जो सड़ उड़ जाता है घास जो काटा हुआ है, वो फिर उसको सही हो जाता है अपने आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक है। और एक चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप कनाडा में अगर रह रहे हो, आपका घर है, या फिर अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो, तो आपके घर के सामने जो घास वस लगा है, और वो अमूमन यहाँ पे मैंने देखा है, हर आदमी अपने मकान के बाद काफ़ी स्पेस वो छोड़ता है घास के लिए, उनको कंपलसरी है यार, यहाँ पे सिस्टम है ऐसा। और वो घास आपको टाइम से काटना पड़ेगा, अगर वो घास लिमिट से ज़्यादा हो गया, जो इनका सिनेरियो है, जो इनका सिस्टम है, तो आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। तो ये एक यहाँ पे है, इवन ये तो खैर गवर्नमेंट का अथराइज होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही काटती होगी, क्योंकि ये पार्क है तो आम पब्लिक के लिए है। तो ये एक सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों, आदमी जो है यहाँ पे देखिए, वो पीछे आप देख रहे होंगे बस है, कनाडा की गवर्नमेंट की बसें हैं, ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, हम लोग भी इसी से सफ़र करते हैं यार, बैचलर टाइम समझो, फैमिली वैमिली नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी हम भी अभी नए नए लिए हैं, और बच्चे उधर खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, और मुझे लगता है ना कि ये एक सिस्टम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और ये है।